नमस्ते फ्रेंड्स, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था आप सबको, स्पेशली कर्नाटका और चेन्नई के लिए। मैं इस फेसबुक लाइव के बाद आपको एक लिंक दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी से मेरा बात हुआ है। हमारे जो तनुश्री दे वर्मा है, IAS ऑफिसर, शी इज़ ऑल्सो इन चार्ज ऑफ कर्नाटका, उनसे भी मेरा बात हुआ है। गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट निकाला है, उसका लिंक मैं अभी आपको दे दूंगा इस वीडियो के बाद। आप उस लिंक में जाइए और आप रजिस्टर कीजिए अभी, क्योंकि हम सब ने एक डिमांड रखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अभी एक ट्रेन त्रिपुरा से और शायद चेन्नई से भी, उसका भी मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे उसका फुल कंफर्मेशन, लेकिन कर्नाटका से, बेंगलोर से एक स्पेशल ट्रेन त्रिपुरा से, कर्नाटका से अगर त्रिपुरा के लिए कर रही है, उसके लिए एक वेबसाइट दिया जा रहा है, एक लिंक है। मैं आपको, आई एम सेंडिंग यू द लिंक बिलो दैट। ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन है, इससे आप, इसमें आप बेंगलोर से त्रिपुरा आ सकते हैं। तो ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, ये लिंक में आपको अप्लाई करेगा वेबसाइट का। और ये ट्रेन का जो भाड़ा है ये अभी आपको नहीं देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। आई वेलकम दैट डिसीजन। चेन्नई में भी शायद ऐसे ही कुछ होगा और उसका मैं कंफर्मेशन थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। बहुत लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम बस बुक कर रहे हैं, हम खुद आना चाह रहे हैं। अभी आप रजिस्टर कीजिए। ये ट्रेन का कौन से दिन होगा ये शायद 2-3 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये एक स्पेशल ट्रेन अभी किया जा रहा है। इसका रुपया भी आपको नहीं देना पड़ेगा, ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी, ये बात पक्का हो गया है। मैं भी अपने लोगों से बात करके, अगर ये 5-6 दिन रुकना पड़ा तो अपने लोगों से बात करके आपका राशन खाने का अपने तरफ से मैं करता हूँ। ये वेलकम स्टेप है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन में हैदराबाद हो, केरला हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, पूना महाराष्ट्र हो, बॉम्बे हो, वहाँ से भी ऐसे ही सुविधा प्राप्त किया जाए कि हमारे लोग जो बाहर में फंसे हुए हैं वो वापस आ सके। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैंने किया है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक वेबसाइट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक वेबसाइट लिंक है जो मैं इस वीडियो के बाद आपको अपने वीडियो में पोस्ट करूँगा। और इस वेबसाइट लिंक में आप रजिस्टर करके जो भी बेंगलोर से, अभी सिर्फ बेंगलोर का पक्का हुआ है, दूसरा स्टेट्स का भी हम कर रहे हैं, हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं, आई एम श्योर गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्ड करेगी। जो भी बेंगलोर से, कर्नाटका से त्रिपुरा आना चाहता है, इस वेबसाइट में लिंक कीजिए, रजिस्टर कीजिए। एक स्पेशल ट्रेन आ रहा है, ये आने वाले दिन में अनाउंसमेंट होगा और उस ट्रेन से आपको एक पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उस ट्रेन से आपको त्रिपुरा लाया जाएगा। चेन्नई के लिए भी यही खबर आ रही है, मैं लिंक इसके बाद लिख दे रहा हूँ। केरला से जो हैं आप चिंता ना कीजिए, हैदराबाद से जो हैं आप चिंता ना कीजिए, पूना मुंबई से जो है, दिल्ली से जो है, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हम लोग कुछ कर रहे हैं। मेघालय से भी बस का हम लोग खुद इंतज़ाम कर रहे हैं भेजने के लिए त्रिपुरा, परमिशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। गुवाहाटी से भी आज स्टूडेंट्स लोग ने जाकर अप्लाई किया है, वैसे ही वेस्ट बंगाल से भी होगा। आप अभी थोड़ा सा धीरज रखिए, आप लोग ने इतना प्रेशर किया है, इसी के लिए कुछ अच्छा निकल रहा है। और इस समय आप थोड़ा सा पेशेंट रहिए, कुछ भी नया न्यूज़ आएगा तो मैं खुद आपको आकर फेसबुक लाइव से बताऊंगा। बेलाइनो हम बाय, थैंक यू। ये जो मेरा मैसेज है, प्लीज़ शेयर इट। बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं, बहुत लोग चिंता में हैं। आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये आपका प्रेशर से ही हुआ है, हम वेलकम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन, और आप चिंता ना कीजिए, हम लोग कुछ ना कुछ और करेंगे आपके लिए। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, थैंक यू।